ला 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 ला। लो जी चाय। अबे ये कौन से कप आ गए हमारे घर में? बाहर से मंगाइए। बाहर से? हाँ। अरे और क्या, तुम्हारे एक कप चाय के लिए पहले चूल्हा जलाऊं, फिर दूध उबालूं, फिर उसमें पानी रखूं, फिर चीनी डालूं, फिर पत्ती डालूं, फिर उसे छानूं, फिर तुम चाय पियोगे, फिर कप दूं, इतनी टेंशन। मैंने 5 रुपए की बाहर से मंगा ली, प्योर कप तक देना। चलो अच्छा एक बात सुन, जब शादी होती है लड़की विदाई के टाइम पे इतना रोती क्यों है? ओए होए बावले, अगर तुझे पता चले कोई इंसान तुझे लेके जा रही है और सारी जिंदगी उससे कपड़े धुलवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, फर्श धुलवाएगा, लेटरिन धुलवाएगा, बाथरूम धुलवाएगा, फिर बच्चे कराएगा, फिर बच्चों की लेटरिन धुलवाएगा, दुनिया जमाने की टेंशन देगा, तू हंसेगा रोएगा क्या करेगा? तो हम लड़कियों का जिक्र है, तुम्हारे साथ आ जाते हैं, पता है जिंदगी खराब होने वाली है, आदमी होते ना वही मर जाते हैं टैक्स से। नाम छोड़ो, ठीक है फेंक दो। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, सुनकर आप चौंक जाओगे। WHO मतलब वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि वाइफ के साथ बात करने से टेंशन कम हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा 80% तक कम हो जाता है, वाइफ के साथ बात करने से स्ट्रेस लेवल 95% तक कम हो जाता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, वाइफ अपनी नहीं होनी चाहिए, वरना हो सकता है ये। सर्दी के तांडों को देखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि गुड मॉर्निंग का समय प्रॉपर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले कंबल या रजाई खींचना या पानी डालना आतंकवादी हमले के बराबर माना जाएगा। किसी की रजाई या कंबल में घुसकर ठंडे पैर लगाना या हवा पास करने पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होगा। घर आए हुए व्यक्ति को चाय ना पूछे जाने पर देशद्रोह के बराबर का केस लगेगा। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नहाकर आने वाले व्यक्ति को छूने वाला शख्स भी नहाया हुआ माना जाएगा। अरे बहन लड़कियों से मत पूछा कर कैसी हो कैसी नहीं हो। अरे बहन हम लड़कियों की तो जिंदगी शादी से पहले भी झंड, शादी के बाद भी झंड। कैसे? अरे शादी से कौन था, हम अपनी मर्जी के सारे काम कर रहे हैं। बड़े गले का सूट मत पहनो, छोटे गले का सूट मत पहनो, आधी आस्तीन का मत पहनो, पूरी आस्तीन का मत पहनो, ज्यादा छत पे खड़ी मत हो, खिड़की पे मत खड़ी हो। किसी फ्रेंड की शादी में जाना हो तो कौन सी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, उसका नाम क्या है, उसका नंबर देके जा, वो रहती कहाँ है, अपने भैया को साथ लेके जा। अरे एक टेंशन है, जिंदगी झंड करके रखते हैं और यूं और कहेंगे भैया जो करना ना शादी के बाद कर लेना अपने पति के साथ। ये पति है, ये ऐसा मिला, ये घर वालों से भी 4 कदम आगे है। इसके सामने घूंघट करो, उसके सामने ऐसे मत आया करो, ऐसे मत बैठा करो, मेरे अब्बा बैठे हो तो यूं मत करा करो, ऐसे झुक कर आया करो, लेट का करो, बैठ का करो। अरे भैया ये बीबी थोड़ी लाया, रोबोट लाया है। और सुन ले, ससुराल में ऐसे बैठती हूँ जैसे तमाशा नहीं करते, वो मदारी उनकी बंदरिया की तरह पूरे दिन मेकअप करके रहूं, लाल लिपस्टिक पाउडर फलाना, ऐसी बंदरिया लगती हूँ, ऐसे घूमती रहे। चल कर रही हूँ, कौन है इस बुढ़िया की चाय का टाइम हो गया कर। पत्नी बहुत प्यारी चीज है यार, तुम उसकी 100 सुनोगे ना फिर भी तुम्हारी एक नहीं सुनने की। पटाखे कोर्ट ने बंद करवा दिए, साउंड सरकार बंद करवा रही है, मिठाई और घी मेरे डॉक्टर ने मना कर दी, अब दिवाली का मैं हाजमोला खा के मनाऊं। देखते ही देखते फिर 1 साल गुजर गया। देखते देखते तुमरा गुजरा होगा भाई, हमरा तो किचन में रोटी पकाते पकाते, बाथरूम में कपड़ा धोते धोते और पति देव के ताना सुनते सुनते गुजरा है। देखते देखते तो बिल्कुल नहीं गुजरा है।